सफदर हाशमी एक ऐसा नाटककार जो मंच से ज्यादा सड़क पर नजर आता था, जिसे किसी ऑडिटोरियम में दर्शकों का इंतजार नहीं रहता था, क्योंकि वो खुद वहां पहुंच जाता था जहां उसके दर्शक मौजूद थे, यानी कारखानों और खलियानों में। ये उसकी प्रतिबद्धता का ही नतीजा था कि 2 जनवरी 1989 को वो नाटक करते हुए ही शहीद हो गया। भारतीय रंगकर्म के इतिहास में सफदर का नाम किसी ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। वाकई सफदर एक ऐसी पटकथा के नायक थे जहां हकीकत और अफसाने का फर्क मिट गया था। सफदर की संस्था जन नाट्य मंच दिल्ली और आसपास के इलाकों में नुक्कड़ नाटक के लिए मशहूर थी। लोगों की तकलीफों और नाटकों के जरिए आवाज देना और उन्हें संगठित करना ही उनका मकसद था। सफदर ने कई नुक्कड़ नाटक लिखकर इस आंदोलन को नई धार दी थी, जो नाटक को मंच और बंद प्रेक्षागृहों से निकालकर खुले आसमान के तले लाया था। 1989 का साल भी ठंड और उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था। सफदर गाजियाबाद के औद्योगिक इलाके शाहिबाबाद में मजदूरों के बीच नाटक कर रहे थे, जब उनकी टीम पर गुंडों ने हमला किया। सफदर ने साथियों को बचाने की कोशिश की और खुद घायल हो गए। बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके साथ उनके एक मजदूर दर्शक राम बहादुर भी शहीद हो गए। इस तरह एक बेहतर दुनिया के लिए उम्मीदों की जंग में जुटे एक अभिनेता दर्शक का खून बहकर एक हो गया। सफदर का जन्म 12 अप्रैल 1954 को हुआ था। वे पहले एक सरकारी नौकरी में थे, लेकिन आवाम को संगठित करने के लिए पूरी तरह से रंगकर्म की दुनिया में कूद पड़े थे और सिर्फ 34 साल की उम्र में शहीद होकर उन नारों को हकीकत में बदल गए जो शायद वे छात्र जीवन से लगा रहे थे। सफदर के अंतिम संस्कार में दिल्ली में करीब 15,000 लोग सड़कों पर उतरे। वे जिस नाटक को करते हुए शहीद हुए थे उसका नाम था हल्ला बोल। दिल्ली पर हल्ला बोलने जुटे लाखों किसानों की आंखों में सफदर का सपना आज भी झिलमिला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।